सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। इनलाइटन हैप्पी स्कूल के फाउंडर अमित धवन जी ने संत कबीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में संपूर्ण शिक्षा 21वीं सदी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया। अमित धवन जी ने जो पिछले 8 वर्षों से अलग अलग स्कूलों के बच्चों और अध्यापकों पर काम कर रहे थे, उनको शिक्षा में आ रही समस्याओं का गहरा अध्ययन करने के बाद उसका समाधान निकाला। इसी के चलते यहाँ के संत कबीर कॉलेज में बीएड व ईटीडी के छात्रों व अध्यापकों को 21वीं सदी में बच्चों को संपूर्ण शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है और कैसे काबिल बनाया जा सकता है जिससे वह समाज में बहुमूल्य योगदान दे सके के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि साथ में हम लोग मंकी एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से इमिटेट करते हैं, वेरी गुड इमिटेटर, गिव देम समथिंग गुड टू इमिटेट। जब हम लोगों ने ये इवेंट किया एक्सरसाइज मंकी एक्सरसाइज, हमने क्या किया, हमने एनी टीचर सबसे पहले मैं बंदर बना पसंद आप प्लीज, और फिर हमने क्या किया, हमने वो मंकी एक्सरसाइज में बच्चों को स्ट्रेचिंग कराना शुरू कर दिया, योगा कराना शुरू कर दिया, रनिंग कराना शुरू कर दिया, मंकी फुल ऑन लाफ्टर कर रहा है शुरू कर दिया, मंकी साइलेंस में बैठ रहा है मेडिटेशन कर रहा है वो शुरू कर दिया, मंकी बुक पढ़ रहा है, बच्चे भी बुक पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी गुड इमिटेटर्स बच्चे जो हैं, गिव देम समथिंग गुड टू इमिटेट। इसी मंकी एक्सरसाइज में हम उनका योगा मेडिटेशन प्राणायाम ये सारी चीजें डांस सब चीजें उसको उनको करते हैं इवन इन। आपको कॉपी करना है या फिर फिजिकली और मेंटली आपको यहाँ रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है ठीक है, 1 2 3 आउट हो गए, एक तो चलिए एक आउट हो गए, देखते हैं कौन विनर होगा। 1 2 स्ट्रेच कर लेते हैं, मंकी एक्सरसाइज है पूरा, सारा अटेंशन सारा ध्यान आपके ब्रेथ के ऊपर, ब्रेथ इज कमिंग एंड ब्रेथ इज गोइंग आउट, सांस आ रही है और सांस जा रही है। इस वर्कशॉप में उपस्थित संत कबीर कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर मनप्रीत कौर व अन्य अध्यापकों ने अपने विचार पेश करते हुए कहा कि अब फाइनली अदर टाइम, और उसमें जो आज का सेशन था वाज इन्फॉर्मेटिव। मैं जो साइकोलॉजी पिछले 10-11 साल से पढ़ा रही थी, आई लर्न सो मैनी थिंग्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए अगेन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और मेन हाइलाइट्स जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी जो प्रैक्टिकली चीज़ें करवाई, मेडिटेशन था या वो टेस्ट करवाया गया या वो अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ कराई गई स्टूडेंट। हम हमेशा सोचते थे इंडिया में ऐसी स्कूल क्यों नहीं होती, वाई सो मच बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, वाई सो मच बर्डन ऑन टीचर्स। तो ये सर से बातें करते हुए मुझे लग रहा है कि जो ये स्कूल है ये एक ऐसा स्कूल है जिस तरह का स्कूल वाकई में होना चाहिए, एक मतलब जिससे एक स्टूडेंट की ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगी, एंड जब ऑल अराउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट की होगी तभी वो एक बेटर सिटीजन बन पाएगा और ये देश को आगे ले जाएगा। साता लेक्चर जिहड़ा है ओह ऑब्वियसली मतलब वी आर स्पीचलेस की बहुत ही अच्छा सीगा, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल चला, राइट फ्रॉम क्यूरियोसिटी, कंटीन्यूअस रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, विजुअलाइजेशन, सारा कुछ, मेडिटेशन, बहुत ही अवेलेबिलिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, लाइकिंग्स होती है, एक किसी ना किसी तरह की क्रिएटिविटी होती है, अगर उसको एनहांस करना है तो आई थिंक ये स्कूल बहुत अच्छा जो इन्होंने स्टार्ट किया है होलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अमित धवन सर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक कि जो भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी।
इस मौके पर अमित धवन जी ने 8 वर्षों के गहरे अध्ययन को बांटा और आए हुए सभी छात्रों और अध्यापकों ने इनलाइटन हैप्पी स्कूल की सराहना करते हुए कहा कि सभी स्कूलों को इस तरीके से होना चाहिए। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।